फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस। और आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 8B। मेरे वाला जो एडिशन वाला जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 8B में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स आ रहे हैं। एक्सरसाइज 8B के हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला सम तो ईजी, हम लोग सम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, शायद आपके में 1 होगा या किसी में 4 होगा, ये सम नंबर। ठीक है, आप क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं, लिखा है अ सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.7 एम्पियर एंड अ रजिस्टर ऑफ 4.5 ओमेगा एज शोन। ओके, ठीक है, हम लोग डायग्राम तो बनाना ज़रूरी है, डायग्राम बनाते हैं। एमीटर, यह एमीटर है, यहाँ पर बैटरी सेल है। ठीक है बच्चों, और रेजिस्टेंस है 1.8 वोल्ट और इसका होगा आपका 2 ओमेगा। क्या है 2 ओमेगा? और यहाँ पर 0.7 ओम या ओमेगा, 0.7 ओम। यहाँ पर एक और रेजिस्टर है, कितना है ये वाला, 4.5। ये हम लोगों का सर्किट है हम लोगों के पास जो है। ठीक है, तो हम लोगों का डायग्राम रेडी है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2-3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम है, 0.7 है और 4.5 ओम है। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। अच्छा, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर, पहले तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर से जो सारे रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है। हम लोग पहले लिखेंगे एज द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, लिखना ज़रूरी है एज द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, एज रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितने होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग आप लोग जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिला के हम लोगों को टोटल होगा आपका यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एमीटर का 0.7 और यहाँ पर यह है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.5 ओम। तो हम लोग को टोटल को ऐड करेंगे, टोटल करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू कम अराउंड 7.2 ओम है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हम लोगों को मिल गया, फाइन। तो ये क्या है, हम लोगों का टोटल रेजिस्टेंस क्या मिल गया, एक्चुअली मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या है, आर प्लस आर इज व्हाट वी आर गेटिंग 7.2, यहाँ पर कैपिटल आर 2 है, एक 0.7 और एक 0, यहाँ पर 4.5, ये स्मॉल आर है, मैं लिख देता हूँ साइड पर ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये आर वन हम लोग लिखेंगे 0.7 और ये आर टू लिखेंगे 4.5, सबको एक साथ करके ऐड कर दिए तो लिखे हैं स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हम लोगों को क्या मिल गया, 7.5 EMF। हम लोगों को क्या है EMF, EMF ऑफ द सेल कितना है 1.8 वोल्ट। अब बात करेंगे मेन क्वेश्चन का, क्या है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। रीडिंग ऑफ द एमीटर हम लोग लेंगे, हम लोग लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो यहाँ पर वी और आर प्लस आर हम लोग लिखेंगे, वी कितना है 1.8, आर कितना है 7.2, सो इट विल बी 1.8 डिवाइडेड बाई 7.2, हम लोग आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। ओके, अक्रॉस द टर्मिनल्स, अच्छा दो चीज़ हम लोग जानते हैं, अक्रॉस द टर्मिनल्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के इस बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स मतलब ये है, ये वाला पोर्शन, ये प्लस साइन से लेके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए बताया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों को रेजिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, ये तो हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे ही जस्ट ब्लाइंडली नहीं कर सकते।
इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है अक्रॉस द टर्मिनल, मतलब बाहर में जो भी आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हम लोग उसे कंसिडर करेंगे, सिर्फ उसे कंसिडर करेंगे, मतलब आर को कंसिडर करेंगे, आर प्लस स्मॉल आर को नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं इस पोर्शन में कर देता हूँ, ये पार्ट अपार्ट, ये वाला पार्ट को मैंने मिटा दिया। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, ये वाला पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू आर। तो यहाँ पर आई हम लोगों को तो क्या मिल गया, 0.5 है, और दूसरा क्या है आपका आर प्लस आर करेंगे तो यहाँ पर आर मिल जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका 5.2 आर वन प्लस आर टू, 4.5 प्लस 0.7 हम लोग को पहले मिल गया, तो टू सब्ट्रैक्ट कर दिए जो भी है, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा क्या, 5.2 ओम। मैं लिख दूँ, बाद में बोलेंगे कि आप साइन नहीं दिए, ठीक है, क्लियर कर दिए। तो यहाँ पर आ गया 0.25 यहाँ पर इंटू 5.2। देखो बच्चों, द पॉइंट इज वो 0.25 इंटू 5.2 करना मुश्किल है, मल्टी मल्टीप्लाई करोगे फिर डेसिमल का चक्कर है, तो ऐसे काम करते हैं 0.25 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.25 को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 5.2 ओम, कैलकुलेट करो अब कितना होता है, ये आपका आ जाएगा कितना आ रहा है, 1.3 वोल्ट आपको मिल जाएगा, 1.3 वोल्ट आपको मिल जाएगा, 4 × 13 = 52 होता है, तो ये आपका ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। मेरे ख्याल से सम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि अच्छा ठीक है, हम लोग डायग्राम ही बना लेंगे क्योंकि डायग्राम बनाना जरूरी है सम को समझने के लिए, सम के इमोशंस को समझने के लिए ऑब्वियसली। हाँ, इमोशन बच्चे जरूर है, सबका इमोशंस होते हैं, सम का भी इमोशन समझ जाओगे तो करना भी इजी हो जाएगा। तो क्या बताया गया, बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स। ओके फाइन, पहले एक बैटरी बनाते हैं भाई, यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर सेल का साइन दे दिया क्या है, इसका ई है 15 वोल्ट है, फाइन, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका आर, लिख दे रहा हूँ आर कितना है भाई, आर है आपका 3 ओम, फाइन, आर ये कनेक्टेड है दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जिस कनेक्टेड टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज, मेंशन कर दिया गया है सीरीज में तो दिक्कत नहीं होगा, तो कितना है 3 ओम एंड 6 ओम, सो हम लोग लिखेंगे R1 इक्वल्स टू 3 ओम कैपिटल R, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यह है R2 मतलब 6 ओम, स्मॉल R मतलब क्या है 3 ओम, स्मॉल R मतलब क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF कितना है भाई 15 वोल्ट, EMF मतलब जब कोई यूज़ नहीं किया गया तब हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्या है 15 वोल्ट है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 15 वोल्ट, एकदम स्टार्टिंग में पार्ट ये है। अब क्वेश्चन पूछा गया है करंट थ्रू द बैटरी, हम लोग को निकालना होगा करंट थ्रू द बैटरी का, ठीक है, करंट थ्रू द बैटरी हम लोग निकाल लेंगे, करंट थ्रू द बैटरी पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं अक्रॉस द सर्किट, ये तो हम लोग लिखेंगे कि ये सीरीज में है, एज अ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज हम लोग लिख लेते हैं, एज अ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर वन प्लस आर टू कर देते हैं भाई, क्या क्या होगा 3333 हम लोगों को कितना मिल गया 12 आ जाएगा, हम लोगों को कितना मिल गया 12 आ जाएगा, ठीक है 12 वो मिल गया हम लोगों को, और क्या चाहिए था EMF तो दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे I इक्वल्स टू V बाई R प्लस R लिख देते हैं, ठीक है, एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं चलिए इसमें यूँ लिख देता हूँ R, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो V कितना हम लोग का है 15 और R प्लस स्मॉल R ये 12, तो 15 बाई 12 करेंगे तो 5/4 आंसर आ जाएगा 1.25 एम्पियर मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है।
नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, मतलब टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पूछा गया है. टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, एक होता हम लोग क्या जानते हैं, एक होता है EMF, एक होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज. तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज हम लोग निकालते हैं. ओके, पहले इसको मिटा देते हैं, अगला पार्ट को मिटाने का जरूर. अच्छा ठीक है, इस साइड पे कर देते हैं, ठीक है, ताकि ईजी हो जाए. आपके सामने पूरा पिक्चर बना हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो क्या क्या हो सकता है. V इक्वल्स टू आई आर, हम लोग फॉर्मूला लेंगे ऑब्वियसली, V इक्वल्स टू आई इन टू आर. V इक्वल्स टू आई इन टू आर, हम लोग के पास क्या I है, हाँ है, कितना है 1.25 R है. हाँ, अब यहाँ पर एक बात है, क्या बताया गया, मैंने कहा R R R R का मतलब क्या है, R का मतलब है R1 प्लस R2. देखिए हालांकि यहाँ पर दो थ्री है, यहाँ पर भी 3 ओम है, यहाँ पर भी 3 ओम है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है हम लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं है. जब फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई R कैपिटल R लिखा है, R प्लस स्मॉल R ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग किसी को पकड़ेंगे, क्या है 3 प्लस 6 तो क्या लिखेंगे, आई वी इज इक्वल्स टू आई इन टू आर, दैट इज यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 दैट इज 9. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला आर का 3 नहीं, हम लोग ये वाला आर का 3 ले रहे हैं. मान लेते हैं कि अगर 3 की जगह यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होता 4 या 6, तो ये क्या हो जाता 10, तो हम लोग का आर क्या होता 10 लिखते हैं. मगर यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसके साथ इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस 3 दैट इज 9. हम लोग सिर्फ 9 लिख देंगे, 1.25 into 9. अब इसे आगे कैलकुलेट करो कि 1.25 into 9 कितना होता है, आपको आंसर मिल जाएगा. मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, तो 1.25 मतलब क्या होता है आपका 5/4 होता है, 1.25 मतलब क्या होता है 5/4 होता है. आप इसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो, डेसिमल को नीचे कर दो तो 125/100, उसके बाद 25/ आपका 20, अब काटोगे फिर आ जाएगा आपका 5/4 आ जाएगा, तो 5/4 into 9 कर सकते हो, या आप इसमें इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो. तो क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं, तो 5 और ये 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर आपका 11.25 वोल्ट, ठीक है, मेरे ख्याल से ये सम हो गया है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर फाइव. क्वेश्चन क्या बताया गया, सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, पहले डायग्राम बना लेते हैं भाई. 1.25 वोल्ट है, तो इसका EMF कितना है आपका 1.5 वोल्ट, बहुत ही बढ़िया. इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इसका R क्या है 10 ओम, क्या है 10 ओम, ठीक है. आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 5 ओम जाएगा, 5 ओम, फाइन. से सर्किट को कम लोग कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर चेक क्या मेटर लगा हुआ रहेगा, फाइन, बहुत ही बढ़िया. तो अब डेटा के हिसाब से देख लेते हैं क्या कि हम लोग का डायग्राम सही है नहीं. SL है, ठीक है, 1.5 EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 10, डन, एंड इज कनेक्टेड टू अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 5 ओम With an ammeter in series, important चीज़ है. What is the reading of the ammeter? Very, बहुत ही बढ़िया. चलो मैं पहले लिख देते हैं EMF of the cell कितना है भाई 1.5 वोल्ट, हम लोग लिखेंगे 5 वोल्ट. EMF of the cell कितना है भाई 1.5 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है भाई 5 ओम. तो हम लोग आई निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे वी बाई आर, तो आई इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा वी बाई स्मॉल आर प्लस आर वी, या एप्सिलॉन लिख देते हैं ये बेटर होगा, हाँ, क्योंकि इसका साइन क्या है एप्सिलॉन है. तो हम लोग लिख सकते हैं, तो या पहले पुट कर देते हैं 1.5 divided by 10 plus 5 दैट इज 1.5 divided by 15, तो हम लोग को आंसर कितना आ जाना चाहिए, ऑब्वियसली इट्स 0.1 ओम, सॉरी 0.1 एम्पियर. एक ही सवाल था, ठीक है, इजी है, 0.1 एम्पियर. सो वी आर डन विद दिस पार्ट, बहुत छोटा सम था.
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट सम नंबर 6। बच्चों एक बार नंबर चेक कर लेना क्योंकि मेरा बुक तो अब लोगों के बुक्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टर सेंड्स करंट 1.1 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9, बट इट इज सेंड्स टू करंट 0.5 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9। अच्छा तो कंपैरिजन है तो हम लोग दो पार्ट ले लेंगे, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं भाई, दो पार्ट के ले लेंगे। दोनों का क्या सेम है? ई सेम है दोनों का, ई एम एफ क्या है? सेम है, फाइन। और क्या है बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, बहुत ही बढ़िया, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है दोनों का। और क्या अलग अलग है? एक आई अलग है इसका, आई वन लेते हैं इसको, तो साइड में लोग लिख देंगे कि आई वन, यहाँ पर ज़रूरी नहीं छोड़ दीजिए, इसका आई वन करके डेजिग्नेट करते हैं। तो ये 1 एम्पियर, इसका आर वन क्या है? आर वन है 1.9 ओम, आई टू है 0.5 एम्पियर, आर टू है 3.9 ओम, ठीक है दोनों का। अब इसका ई निकालते हैं, इसका ई का फॉर्मेट क्या होगा आपका? ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर, लोग जानते हैं ना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ई एफ निकालने के लिए आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो आई हम लोग को पता है 1 कैपिटल आर, इंक बहुत लाइट हो जा रहा है, देखते हैं इसमें डार्क है, ठीक है। चलिए तो ये 1.9, आर कितना है नहीं लिखेंगे, मत मालूम नहीं है तो नहीं कैसे लिखेंगे ऑब्वियसली, तो 1.9 प्लस आर। और इस साइड में हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ बताएंगे, 0.5 ब्रैकेट 3.9 प्लस स्मॉल आर, इन दोनों को अगर सेम कर दें, क्योंकि इसे हम लोग मान देते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों का ई सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों का अगर ई सेम है तो हम लोग इसे इक्वेट कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि इस साइड में लिखेंगे तो 1 into 1.9 प्लस आर इक्वल्स टू 0.5 ब्रैकेट 3.9 प्लस आर, क्लियर। अब आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 साइड में लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट मैं कर ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.9 प्लस आर, ये हो जाएगा 0.5 इंटू आपका 0.5 इंटू 3.9 कितना होता है 5, 9, 19, तो ये हो जाएगा 1.95, और ये आपका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 आर, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसको मैं यहाँ करता हूँ इस पोर्शन में, देख लीजिए तो क्या होगा, 0.19 और 1.95 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट, तो एक काम करते हैं सारे आर को एक साइड में लेकर आ जाते हैं तो बेटर होगा, इसको साइड में लेकर चले जाते हैं 1.95 माइनस 1.9, तो अगर इसको सब्ट्रैक कर देंगे हम लोग को मालूम है कितना होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 1.95 से अगर हम लोग 9 को सब्ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 0.5, यहाँ पर भी 0.05 आ जाएगा, तो आर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 0.05, मैं कर ही दे रहा हूँ भाई पूरा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.1, कितना आ जाएगा भाई? देखो भाई ये नीचे से ऊपर इसलिए एक सिंबल दिया गया है यहाँ पर है, तो 0.5 ओम आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ओके नेक्स्ट सम चलते हैं, नेक्स्ट सम बताया गया है, ओके टू रेजिस्टर्स हैविंग 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड पैरेलल विद देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, विद देयर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, अच्छा ठीक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है ये सर्किट बनाते हैं हम लोग। चलिए ये हम लोगों का सम नंबर क्या था, 8 होगा, सॉरी 7, दो रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे आर वन कितना है ये भाई 5 ओम, और ये आपका ठीक करके ड्राइंग कर देते हैं भाई आर टू, ये आर टू का कितना है, आर टू का होगा आपका 10 ओम,
तो पैरेलल है द आर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चलिए लिखते हैं क्योंकि आर हम लोगों को इन लोगों को ऐड करके आर मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए हम लोग लिख लेते हैं इसे, लेट आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है कि आर का मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये फॉर्मूला था तो आप वाकिफ है ही, वन बाई आर पैरेलल में क्या होता है, वन बाई आर इक्वल्स टू वन बाई आर वन प्लाई वन बाई आर टू। अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, वन बाई टेन प्लस वन बाई फाइव, इन लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए टू प्लस वन थ्री, जीरो पॉइंट थ्री, इसको अगर रिवर्स कर दें, जीरो पॉइंट थ्री का जरूरत नहीं है, थ्री है, इसको ऊपर लिख देते हैं, वन बाई आर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आ जाएगा टेन बाई थ्री, तो टेन बाई थ्री हो जाएगा थ्री पॉइंट थ्री थ्री, थ्री पॉइंट थ्री थ्री ओम हो जा रहा है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम बताया गया है, सम नंबर मेरे एट है, क्वेश्चन है कि यू हैव अ थ्री रेजिस्टर्स टू ओम थ्री ओम, ठीक है थ्री रेजिस्टर्स हम लोग ले रहे हैं, टू ओम आर टू थ्री ओम एंड आर थ्री दैट इज फाइव ओम। अच्छा अब सर्किट कैसे अरेंज किया गया, अच्छा नहीं बताया गया, हाउ विल यू ज्वाइन देम सो दैट अ टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन वन, टोटल रेजिस्टेंस लेस देन वन होना चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आर ले रहे तो उसका वैल्यू हम लोगों का लेस देन वन होना चाहिए। अच्छा बहुत ईजी है क्योंकि अगर इसे सीरीज में करेंगे तो पैरेलल बनाना ही पड़ेगा, सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, इन केस ऑफ सीरीज अगर देखेंगे तो हम लोग उसे कैसे आर का वैल्यू क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री प्लस फाइव टेन हो जाएगा, तो वन से छोटा हुआ तो वन से बड़ा हो गया, हम लोगों को क्या चाहिए, वन से छोटा चाहिए, तो ऑब्वियसली द सीरीज विल बी इन पैरेलल एज वी वांट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स देन दे मस्ट बी जॉइंट इन पैरेलल, दे मस्ट बी जॉइंट इन पैरेलल, ये स्टेटमेंट आप सम के पहले लिख दो, ठीक है सम करने से पहले, ठीक है हम लोगों को क्या चाहिए कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो लेस होना चाहिए, लीस्ट वैल्यू जो गिवन कंडीशन है, जो लीस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर से वो कम होना चाहिए, ठीक है और यहाँ पर क्या वन से कम होना चाहिए, वन ओमेगा से कम होना चाहिए, वन ओमेगा से कम होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड हम लोगों को इसका क्या चाहिए ऐसा एक किस पैटर्न में अरेंज होगा वो फिगर आउट करना है, तो ऑब्वियसली अगर वन से कम होना चाहिए तो पैरेलल होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे अब इसका कैलकुलेट आप खुद ही कर सकते हो, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 15 प्लस 6 25 31 31 31 बाई 30 31 बाई 30 आप कैलकुलेट करो, ज़रूरत भी है हम लोगों को सिर्फ ये निकालना था कि वन से कम होना चाहिए, तो ऑब्वियस 31 न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है बड़ा है, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल जब हो जाएगा जब ये आर आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू वन से कम ही है, वन से क्या है कमी है, और इसका वैल्यू कितना होगा अब डिवाइड करके निकालो कितना होगा, तो 1.9 समथिंग कुछ आ रहा है अराउंड आई गेस 1.97, ठीक है मैं इतना तक लिख दूँ आप लोग बाकी कैलकुलेशन अब कर लेना, ठीक है मगर मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये पैरेलल में अरेंज होना चाहिए। अच्छा 30 में यहाँ से सेट में कर लेता हूँ, 30 31 तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.9 तो कंफर्म है और 7 और कुछ, हाँ 0.97 ओम ऐसा आ रहा है, अब कैलकुलेट करके देख लो मैंने मेंटली क्या है,
यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके फाइन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 9। सम नंबर 9 का क्वेश्चन मैंने पढ़ा, तो मतलब ये करने से पहले मैंने देख लिया, तो क्वेश्चन है कि आपका 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड, 3-3 ओम करके, 2 ओम करके 3-3 रेजिस्टर्स है, सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस लेस देन 3 होना चाहिए। मैंने कहा लेस देन 3, लेस देन 3, तो अब डायग्राम बनाना होगा और कैलकुलेशन करना होगा। 3 रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग ऑब्वियसली 3 से कम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सीरीज तो नहीं हो सकता, सीरीज इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 6 आएगा। और हम लोग का कंडीशन क्या है, हम लोग को 3 बनाना है, 3 क्या बनाना है, 3 बनाना है, सो ये नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली सीरीज तो कैंसिल हो गया, तो ये हो सकता, नेक्स्ट हो सकता आपका पैरेलल, क्या हो सकता है, पैरेलल। तो पैरेलल में अगर हम लोग तीनों को अगर पैरेलल बना दे तभी पॉसिबल नहीं होगा, क्या ये पॉसिबल होगा, देखते हैं, नहीं हो सकता कि हाफ, तो यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि ये दो 1/2, और ये ऐड करने से कभी नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। 1/2 करेंगे तो ये हाफ मतलब 1 हो जाएगा, तो 1.5 का ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि कंडीशन नहीं है हम लोग को 3 बनाना, तो 2 पैरेलल में रहेगा और 1 सीरीज में रहेगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो पैरेलल वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग अगर RP पकड़ रहे हैं तो उसे हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2, दैट इज़ 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये जगह 1/RP, ठीक है, 1/2, तो आर 1 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो RP का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 है, और यहाँ पर और एक 2 है, तो RP और एक RS अगर ऐड हो जाता है तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP प्लस RS, दैट इज़ 1 प्लस 2 ओम, दैट इज़ 3 ओम, क्लियर? ओके